रहता का उल्टा चश्मा। पीड़े अंकल की गाड़ी आ चुकी है। अरे ये कार मेरी नहीं है। बस अभी अंकल, कल आप खुद पापा के साथ शोरूम गए थे, वहां जाके आपने गड्डी बुक की थी और देखो आज गड्डी आ गई। ओह, अब समझा मैं। कल शोरूम में जो वो राजस्थानी कपल था वो तुम दोनों थे। मतलब तुम दोनों हमारी जासूसी कर रहे थे। बीका मिनटे ते सोड़ा, पहले मुझे ये बताइए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कार हमारी नहीं है। क्योंकि ये सच में हमारी कार नहीं है माधवी, ये कार मैंने विनय काका के कहने पे उनके बेटे सदानंद के लिए खरीदी है। अरे आत्मिया, अरे काका, आया 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 आया, नमस्कार कर तू। अरे सदा कैसा है? मस्त दादा, तू कैसा है? भाग्य अति बड़ा। आज तो कैसी है बड़ा? मस्त मस्त। राम राम गोकुल धाम मंडली। राम राम, राम राम काका, राम राम। ये मेरे विनय काका और ये उनका बेटा सदानंद, इन्होंने पिछली बार आम भेजे थे सबके लिए। ओ अच्छा, अरे राम राम काका, राम राम, राम राम। वो आम बहुत मीठे और टेस्टी थे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग हैरान क्यों लग रहे? एक्चुअली हम सबको लग रहा था कि बीड़े अंकल ने खुद के लिए कार ली है, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने आपके लिए कार ली है। अरे तो आत्मिया भी तो मेरा बेटा ही है, तो ये कार सोनू, सुनबाई और आत्मिया की भी है। नहीं बराबर है काका, लेकिन ये कार आपकी है जो आपने आपके बेटे के लिए खरीदी है इन्हीं के पैसों से। सदा के लिए? हाँ। लो बोलो, असली सरप्राइज तो ये निकली। बड़े, तेरे इस ट्विस्ट ने तो हमारी दुनिया हिला डाली। बाबा, आपने मेरे लिए कार ली पर मुझे बताया भी नहीं। ये आत्मा की वजह से नहीं बताया, हमेशा मुझे बोलता है हम गोकुल धाम वाले हमेशा एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं और सरप्राइज में बहुत मजा आता है, इसलिए तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने नहीं बताया। माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। लेकिन बाबा मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे पास तो बाइक है ना। सदा, मैं जानता हूँ तुम पेशे से शिक्षक हो और रोज तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए 70 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हो और वही 70 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस भी आते हो, तो काका ने सोचा कि बाइक पे ट्रैवल करने से अच्छा है कार दिलाई जाए। कार नहीं लेते थे तो चलता था, अभी ले ली। हाँ सुनो कुरे बोलू पोरा, अरे तू हमेशा अपने परिवार के भले की सोचता है, तेरे बाबा की चिंता करता है। तेरे बाबा का ये फर्ज नहीं बनता कि तेरी चिंता करे। सही बात है। आवडली ना गाड़ी? खूब आवडली बाबा, मस्त है। विनायक भाई एक बात कहूं, ये आपका बेटा है ना, वो बिल्कुल मेरे जेठिया जैसा ही है। ये भी खुद से पहले मेरी और परिवार की चिंता करता है। बाबा,
दोस्तों, मैं आपको सजा की एक खास बात बताना चाहता हूँ। ये अगर चाहता तो किसी बड़े शहर में बड़ी प्राइवेट स्कूल में अच्छे पगार की नौकरी कर सकता था वर्का, लेकिन इसने गांव में रह के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना उचित समझा। हाँ, अभी अपने जीवन का ध्येय ही बना लिया इन्होंने। वाह सदा भाऊ, हमें आप पर गर्व है। थैंक यू सदानंद भाऊ यांचा। विजय असो, विजय असो, विजय असो।